हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट, जो कि ओट्स से हम बनाएंगे। उसके साथ में टमाटो डिप का भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही इजी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप इंस्टेंट ओट्स। आप रोल्ड ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छे से फाइन पाउडर बना लेंगे। मैं 10 से 15 काली मिर्च डाल के इसका अच्छे से फाइन पाउडर बना लूँगी। उसके बाद इसके साथ मैं डाल लूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, काला जीरा मैं डाल रही हूँ, अजवाइन भी डाल रही हूँ। इसके साथ मैं थोड़ा सा लास्ट में सिसमी सीड भी डाल रही हूँ। इसमें सब कुछ ऑप्शनल है, आप प्लेन भी बना सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको अच्छे से सॉफ्ट वाला डो बना लेना है, क्योंकि ये जो ओट्स है ना, पानी बहुत ही ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, तो बहुत ही ज़्यादा सूखा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सॉफ्ट वाला डो आप बनाएं। और वो जो ओट्स का जो पाउडर था ना, उसको डस्टिंग करके इसका अच्छे से एक रोल बना लेना है। पतला सा रोल ही आपको बनाना है, क्योंकि इसको हम तवा में बेक करेंगे और बिना ऑयल का ही बेक करेंगे। तो इसके लिए आपको जितना ज़्यादा पतला आप कर सकते हैं कर सकते हैं। इसको देखिए, मैं चाकू से निकाल रही हूँ नीचे से, क्योंकि बहुत पतला है, चिपक गया था। ज़्यादा डस्टिंग करेंगे तो ये नीचे भी नहीं चिपकेगा, नहीं तो प्लास्टिक रैप में भी कर सकते हैं। ये देखिए, तवा में पूरा लो टू मीडियम फ्लेम में मैं इसको बेक कर रही हूँ। आपको प्रेस कर करके ही इसको बेक करना है, ताकि अच्छे से पकेगा। जब क्रिस्पी लगेगा ना, आप इसको ले आइए बाहर और इसको अच्छे से इमीडिएटली अपने डिजायर्ड शेप में आप कट कर सकते हैं। ज़्यादा अगर लेट करेंगे, ज़्यादा सख्त हो जाएगा, तो आपको काटने के लिए मुश्किल होगा। तो इमिडिएटली आप इसको कट कर सकते हैं। मैं इसको नाचोस के शेप में कट कर रही हूँ, आपको जो भी शेप पसंद है आप कर सकते हैं। चलिए टमाटो डिप बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े टमाटो, रेड बहुत पका हुआ है ये, जितना पका हुआ होगा अच्छा होगा। थोड़ा सा तेल डाल के मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। आपके पास अगर तंदूर है, उसमें भी आप रोस्ट कर सकते हैं। टमाटो को थोड़ा रोस्ट कर लेंगे तो उसका और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। इसलिए ये देखिए, थोड़ा सा सॉफ्ट और मसी हो गया है। इसको ठंडा कर लेंगे और वेजिटेबल चॉपर में 10 से 15 मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा प्याज। उसके साथ मैं डाल रही हूँ गार्लिक, और इसको अच्छे से चॉप होने के बाद ये ठंडा वाला टमाटर मैं डाल के, और इसके साथ मैं फ्रेश ये जो धनिया का पत्ता डाल रही हूँ, और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप ब्लेंडर का इस्तेमाल मत कीजिए, वेजिटेबल चॉपर अगर है कर सकते हैं, नहीं तो व्हिप मोड में आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। क्योंकि अच्छे से अगर फाइन पेस्ट बना लेंगे ना, ये जो टमाटो सालसा अच्छे से नहीं बनेगा। जो बाकी का टमाटो था उसको भी मैं क्रश कर चुकी हूँ, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा सा ही मैं पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार, और 1/4 ही लेमन जूस मैं डाल रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है आप उसको डाल सकते हैं। ये पूरा प्लेन और सिंपल है। ये देखिए, हमारा खाना रेडी हो गया है। इतना सिंपल और हेल्दी खाना आप सभी ने देखे होंगे, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए। आपको अगर अच्छा लगता है मेरे वीडियोस, आप मेरे चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं यूट्यूब में, और यहाँ जाके मेरे हर वीडियोस को आप देख सकते हैं। आपको कोई भी वीडियो पसंद आता है आप उसको वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छा लगते हैं और आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। आज का वीडियो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ सेफ, टेक केयर, बाय।